बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AQTV। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। आज के दिन के लिहाज से जो लोग अपनी सालगिरह मना रहे हैं, मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को आपकी सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सालगिरह का तोहफ़ा मंगवाने के लिए एज़ यूजुअल मेरे मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप सिंपली मुझे एक मैसेज करेंगे अपनी आज की तारीख का, सालगिरह के दिन का और अपने मुकम्मल एड्रेस का, तो आप लोगों का सालगिरह का जो तोहफ़ा है वो आप तक भिजवा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं आप लोगों की पर्सनालिटी क्या राज अफशा करने जा रही है। 20 अक्टूबर के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, आप दुनिया को एक रंगीन शीशे की नज़र से देखना पसंद करते हैं। आपको खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग, खूबसूरत सोच, खूबसूरत मिजाज, खूबसूरत कपड़े, खुशबू जात, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को हमेशा से पसंद रहती हैं। आप लोग ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरती की तलाश में अपनी ज़िंदगी को हमेशा से जारी रखते हैं और आप लोग मनफी पहलू ज़िंदगी का कभी नहीं देखना चाहते। लेकिन आप समटाइम्स अपनी डुअल नेचर से, डुअल थाट से या अपने मिजाज के बदलने से, सोच के बदलने से आप लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं, क्योंकि आप किसी भी गलत बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। आप जहाँ पे सिर्फ अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, कोई भी फर्द आपकी ज़िंदगी में कोई मनफी किरदार अदा कर रहा हो या किसी की नेगेटिविटी आप तक आए तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे एरिज वाले लोग होते हैं, तो आपकी नेचर एकदम से चेंज हो जाती है, आप एग्रेशन में आ जाते हैं और आप लोग काफ़ी हद तक अभी अपने इस एग्रेशन से परेशान भी रहते हैं ख़ुद से भी। लेकिन आप क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें देखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, आप लोग किसी भी तौर के ऊपर किसी भी मसले का, किसी भी बात का, किसी भी पहलू का, किसी भी ज़िंदगी का ना ही नेगेटिव पहलू देखते हैं, ना ही सुनना चाहते हैं और ना ही वो आपको नज़र आता है। आप सिर्फ ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं और यही वजह है कि आप खूबसूरती को इतना ज़्यादा सराहते हैं कि आप लोग अपना करियर भी उसी फील्ड में रखते हैं। और आप लोगों का जो मोस्टली करियर है वो क्रिएटिव साइड पे होता है, तख्लीकी साइड पे होता है, कुछ नया करना, कुछ नया तख्लीक करना, कुछ नया क्रिएट करना। और आप लोग आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादातर अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं और यही वजह है कि आप हमेशा किसी ऐसी ही फील्ड का इंतखाब करते हैं। इसके साथ साथ जब बात आती है रिश्तों की, मोहब्बत की, तो बेसिकली आप एक फ्रेंडली नेचर इंसान हैं, आपके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप लोगों के लिए बेसिकली मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप सिर्फ ज़िंदगी में देख ही मोहब्बत रहे होते हैं, देख ही खूबसूरती रहे होते हैं, सिर्फ रिश्तों में पॉजिटिविटी को देख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि आपके लिए मोहब्बत हमेशा से बहुत मायने रखती है और आप लोगों को जब भी ज़िंदगी में हकीकी मायनों में अपनी रूह का हमसफ़र मिलता है तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी जो है उसको मुकम्मल समझने लगते हैं। उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपनी ज़ात के बारे में और अपनी पर्सनालिटी के बारे में और इवन अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जब तरतीब देंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी का दिन उसी तरह खुशियों भरा होगा जैसे आज का आप लोगों की सालगिरह का दिन है। तो बहुत सारी दुआओं में इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।